टे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डाल्टिक थ्योरी हंड्रेड एट पुट फॉरवर्ड एटामिक थोरी ऑफ मैटर विच इज कॉल्ड डाल्टन एटामिक थोरी जॉन डाल्टन ने अठारह सौ आठ में मैटर के मतलब एक थ्योरी दी है कि मैटर क्या है मैटर किन सब्सटेंसेस से बना है ये एलिमेंट्स क्या चीज़ हैं कंपाउंड कैसे बनते हैं ये एटम क्या है इन तमाम चीज़ों को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए जॉन डाल्टन ने 1808 में एक थ्योरी दी है जिसको कहते हैं डाल्टनस एटॉमिक थ्योरी द मेन पॉस्टूलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आर एज फॉलोज इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के एम निकात क्या हैं द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल एटम्स ये जान डाल्टन ने ही एटॉमिक थ्योरी में बताया है कि तमाम मैटर चाहे सॉलिड्स लें हम लिक्विड्स की बात करें या गैसेस की मिक्सचर्स हों कंपाउंड्स हों एलिमेंट्स हों जितना भी मैटर है इस यूनिवर्स में ये तमाम मैटर बहुत ही बारीक ज़र्रों से मिल के बना है इन बारीक ज़र्रों को एटम्स कहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं ये तमाम एटम से मिल के बनी हैं और एटम्स का आपने पहले ही पढ़ा है कि एटम्स आर माइक्रोस्कोपिक दीज आर सो स्मॉल इन साइज दैट दी कैनॉट बी सीन इवन अंडर माइक्रोस्कोप इसको देखने के लिए ख़ास किस्म के बहुत ही सेंजिटिव माइक्रोस्कोप्स बनाए गए हैं जिसमें हम एटम्स को देख सकते हैं एक आम माइक्रोस्कोप में हम एटम्स को भी नहीं देख सकते हैं एटम्स के नाट भी डिवाइडेड एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं इतने छोटे होते हैं कि इनके फर्दर पीसेज नहीं किए जा सकते एटम्स क्रिएटेड नॉर किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के अंदर जितने एटम्स हैं वो हमेशा बरकरार रहते हैं उनकी तादाद हमेशा बराबर रहती है यानी कि एटम्स को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना इनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है जिसके दौरान दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिल के नीवी या कंपाउंड्स बनाते हैं इन केमिकल रिएक्शंस के दौरान एटम्स की तदाद हमेशा बराबर रहती है जितने एटम्स रिएक्टेंट्स में होते हैं उतने ही एटम्स पाए जाते हैं उनके प्रोडक्ट्स में जो नए सब्सटेंसेज बनते हैं एटम्स के नैदर बी क्रिएटेड नॉ डिस्ट्रॉय ज्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन देर आर एज मैनी काइंड ऑफ एटम्स एज आर एलिमेंट्स एटम्स मुख्तलिफ़ के होते हैं मुख्तु का मतलब हो गया कि जितने एलिमेंट्स होंगे जितने किस्म के हमारे पास एलिमेंट्स हैं उतने ही किस्म के एटम्स होते हैं क्योंकि हर एलिमेंट एटम से मिल के बना है और किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने एटम्स होते हैं वो हर लिहाज से चकसान होते हैं मगर मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं देर आर एज मैनी ऑफ एटम्स की उतनी ही किस्में हैं जितनी एलिमेंट्स की किस्में एटम्स ऑफ़ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट हैंग दाइज सेम मासम केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट के आइटम्स को आप ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल आयरन की एक पीस हम लेंगे इसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं ये आइटम हर लिहाज से यकसान हैं इनका मास इनका साइज और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज यकसान होती हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मगर मुख्तलिफ एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे एग्जाम्पल हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के जितने भी इसके अंदर एटम्स हैं हाइड्रोजन के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम्स आपस में डिफर करते हैं इनका मास इनका साइज और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो उनसे कंपाउंड बनते हैं जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो इनसे वाटर बनता है आप जानते हो वाटर का फार्मूला है एच टू ओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलके वाटर बनाते हैं अब कार्बन डाइऑक्साइड का भी आपको पता है सी ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन मिलके आपस में एक कंपाउंड बनाता है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं यानी जब भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के एटम्स आपस में मिलते हैं तो उनसे नए

हमेशा बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से यानी वाटर में हमेशा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही होता है अगर हम चाहें कि हम ऑक्सीजन की जगह किसी और गैस का इस्तेमाल करें किसी और एलिमेंट का इस्तेमाल करें या हाइड्रोजन की जगह कोई और एलिमेंट इस्तेमाल करके हम वाटर बना लें इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज टू प्रिपेयर वाटर

one molecule of carbon dioxide we need one car one atom of carbon and two atoms of oxygen co2 one atom of carbon and two atoms of oxygen it means the number and kind of atoms are fixed in a given compound एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन मोर देन वन रेशियो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन मोर देन वन रेशियो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड यकसान एलिमेंट्स के एटम्स मुख्तलिफ रेशियोज में मिलके के मुख्तलिफ कंपाउंड बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल के वाटर बनाते हैं और वाटर में इसका रेशियो होता है टू एज टू वन एच टू देखो आप हाइड्रोजन के दो मालिकूल्स हैं और हाइड्रोजन का एक मालिकूल है इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलके जब वाटर बनाते हैं तो इनका रेशियो है टू इज टू वन इन वन मालिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन देर आर टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन यही दो एलिमेंट्स जब आपस में मुख्तलिफ रेशियो में मिलते हैं तो मुख्तफ कंपाउंड्स बनाते हैं फॉर एग्जांपल एक और कंपाउंड हम लेंगे जो इसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इसका फार्मूला है ये एच टू ओ टू वाटर में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है फर्क क्या है वाटर में इनका रेशियो है टू इंस टू वन और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में इसका रेशियो है टू इंस टू टू हाइड्रोजन के भी दो एटम्स हैं और ऑक्सीजन के भी दो एटम्स हैं यहाँ इसका रेशियो है टू इंस टू टू या सिंपल रेशियो आएगा वन इंस टू वन जितने हाइड्रोजन के उतने ही ऑक्सीजन के आप एक और एग्जांपल हम लेंगे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल के कार्बन डाइऑक्साइड भी इनसे बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है जब इनको कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना होता है तो ये इस रेशियो में मिलेंगे सीओ या कार्बन मोनोऑक्साइड एक, एक एटम है कार्बन का और एक एटम है ऑक्सीजन का रेशियो है वन इज टू वन जब कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो उनका रेशियो इस तरह फार्मूला है सी ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड एज यू कैन सी देर आर वन एटम ऑफ कार्बन एंड टू ऑफ ऑक्सीजन दे रेशियो इज वन इज टू टू कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स का रेशियो था इस और कार्बन डाइऑक्साइड में है या, यानी जब आपस में मुख्तलिफ रेशियो से कंबाइन होते हैं तो एक से ज्यादा कंपाउंड भी बना सकते हैं दीज द मेन पॉस्टूलेट ऑफ एटॉमिक थ्योरी All the matter is made up of very small particles called atoms. Atoms cannot be divided. Atoms can neither be created nor destroyed. There are as many kinds of atoms as are elements. All the atoms of an element are identical in every respect, having the same mass, size, and chemical properties. Atoms of different elements differ in mass size and chemical properties atoms of two or more elements joined together to form compounds the number and kind of atoms are fixed in a given compound atoms of same elements can combine in more than one ratio to form more than one compound dear students this was all about Dalton's Atomic Theory. Thanks.